कोरोना वायरस मरीजों का इलाज मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती एक मरीज ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिस वीडियो ने मेडिकल कॉलेज की पोल खोल के रख दी है कि वहां कोरोना मरीज का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही उजागर होती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक मरीज अपने बेड से जमीन पर गिर गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ में से उस मरीज को हाथ तक नहीं लगाया गया। बताया जा रहा है कि मरीज को सांस की प्रॉब्लम थी और वह डॉक्टर से बार बार ऑक्सीजन लगाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वीडियो को बनाने वाला मरीज कह रहा है कि मरीज को सांस की प्रॉब्लम थी, जबकि दूसरी वीडियो में उस मरीज ने एक व्यक्ति की मौत के लिए भी बताया है। आप बैठ सकते नहीं, पलंग पे जाके गिर गए, पलंग पे बैठ जाओ, पलंग पे आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ, इधर। इनका नाम राजू है, राजू होने के बावजूद तीन पलंग से नीचे गिर गया, एक घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बिठा दीजिए, कोई एक्शन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया कि ना कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। ये मेडिकल हॉस्पिटल की तस्वीर है, जिस मरीज को 3 घंटे पहले लाया गया था और उसे सांस की बीमारी हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टरों को बार बार कहने के बावजूद भी उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई और उस बेचारे की तड़प तड़प के मौत हो गई है।